टू माई यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? तो फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं सरल ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को फ्रेंड्स हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल ब्याज। तो हमने देखा ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हमने किसी से उधार लिया, हमने बैंक से उधार लिया। मैंने बैंक से 4,000 रुपए उधार लिए, मेरे को 4,000 रुपए की रिक्वायरमेंट हुई। मैंने 4,000 रुपए बैंक से उधार लिए। मैंने बैंक वाले को बोला कि सर, मुझे 4,000 रुपए उधार चाहिए होके बैंक से। तो मैंने 4,000 रुपए उधार लिए, कितने? एक साल के लिए, एक साल के, 1 ईयर के लिए लिए। ओके, 4,000 रुपए 1 ईयर के लिए लिए। और बैंक में क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम लोन लेते हैं या हम उधार लेते हैं बैंक से, तो हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है, कुछ हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं हिंदी में। ओके, मीन्स 4,000 के अलावा मुझे एक अमाउंट पे करना होगा बैंक को। क्यों? क्योंकि अगर बैंक हमको लोन देती है, हमें उधार देती है, तो उसके बदले में हमसे कुछ चार्ज भी लेती है। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने 4,000 रुपए लिए, ओके, बैंक से, एक साल के लिए लिए, और बैंक ने कहा कि मैम आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा। 4,000 का एक साल के लिए 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा। मैं फ्रेंड्स वापस से रिपीट कर रही हूँ, मुझे लोन की रिक्वायरमेंट थी, मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने बैंक से 4,000 रुपए का उधार लिया, एक साल के लिए लिया और 10% के लिए लिया। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने देखा कि अब जो अमाउंट इससे निकलेगा वो क्या निकलेगा फ्रेंड्स? इंटरेस्ट निकलेगा। वो क्या निकलेगा फ्रेंड्स? इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये क्या कैसे करते हैं, ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, उससे पहले हम कुछ एलिमेंट्स को देखते हैं। क्या? कि जो ये अमाउंट है, जितना अमाउंट मैंने उधार लिया उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, पी से इसको डिनोट किया जाता है। 1 ईयर, ये फ्रेंड्स क्या है? टाइम, की मैंने कितने टाइम के लिए उधार ले रही, तो उसको मैं किसे डिनोट करती हूँ? टी से डिनोट करती हूँ। ओके, और जो ये क्या है? रेट, कि कितने परसेंट पे मैं उधार ले रही हूँ, तो ये क्या है फ्रेंड्स? रेट। तो फ्रेंड्स, इससे हम सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला देखते हैं। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट एस आई का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट को अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो पी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, आर मीन्स रेट, एंड टी मीन्स टाइम अपॉन 100 से हम इसको क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 4,000। ओके, मल्टीप्लाई रेट कितनी है मेरी? 10। मल्टीप्लाई टी क्या है फ्रेंड्स मेरा? टी है 1। मीन्स टाइम क्या है मेरा? 1 ईयर। तो फ्रेंड्स, जो ये 100 होता है, ये 100 फ्रेंड्स क्या होता है? ये परसेंटेज का होता है। अगर परसेंटेज को हटाना होता है, तो हमें डिवाइड में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। ओके, 20 से 20 कट हो गए। ओके, अब क्या है? 40 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा फ्रेंड? 400। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही होगा। तो 400 रुपीज 400 फ्रेंड्स क्या हुआ मेरा? ये इंटरेस्ट हुआ। मीन्स मैंने बैंक से अगर 4,000 रुपए 4,000 मैंने लोन लिया है, मैंने उधार लिया है उनसे, एक साल के लिए लिया है और 10% पे लिया है, तो मुझे एक साल बाद फ्रेंड्स, मुझे एक साल बाद कितने? 400 रुपए ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक एलिमेंट होता है ए, टोटल अमाउंट जो होता है। टोटल अमाउंट क्या होता है फ्रेंड्स? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने क्या देखा? टोटल अमाउंट में क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट इस क्वेश्चन में क्या है, इस एग्जांपल में क्या है? 4,000। तो 4,000 प्लस, और इंटरेस्ट कितना आया? 400। तो ये कितना हो गया? 4,400। तो फ्रेंड्स, मुझे बैंक को एक साल बाद टोटल अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना देना होगा? 4,400। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल इंटरेस्ट था। फ्रेंड्स, इसकी एक खासियत होती है सिंपल इंटरेस्ट की, कि मान लो अगर टाइम मुझे 2 साल के लिए लेना हो, अगर मुझे 2 साल के लिए ये लेना है, तो 2 साल बाद, जैसे मैंने 4,000 का पहले 1 साल का दूंगी मैं, ओके, पहले 1 ईयर का 10% से दूंगी,
फिर नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी मैं फ्रेंड्स किसी पे देती हूँ इसी 4000 पे दूंगी। सेकेंड ईयर पे मैं क्या दूंगी 4000 पे ही इंटरेस्ट दूंगी। तो फ्रेंड्स इसी को ही सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। मींस आपको कितने भी टाइम के लिए लेना हो, एक ईयर कंप्लीट होने के बाद, एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, ना कि टोटल अमाउंट पे। टोटल अमाउंट पे ना लगकर किस पे लगता है फ्रेंड्स? प्रिंसिपल अमाउंट पे। नेक्स्ट ईयर भी इंटरेस्ट किस पे लगेगा? प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा। फ्रेंड्स हमने अभी एसआई मींस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या था? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। ओके, अगर मुझे अब ये तो क्या है एसआई फाइंड आउट करने का है, मुझे अगर क्या है फाइंड आउट करना है? आर फाइंड आउट करना है। मींस अगर रेट फाइंड आउट करनी है, मुझे एसआई दे रखा हो या प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा हो, टाइम दे रखा है, मुझे रेट करनी है, तो हम कैसे बताएंगे? तो फ्रेंड्स उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स रेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल टू एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू टी। तो फ्रेंड्स इसी फॉर्मूले से बना है। कैसे बना? अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? एसआई मल्टीप्लाई 100 और आर फाइंड आउट करना है तो आर तो क्या आ गया? इधर आ गया और पी मल्टीप्लाई टी क्या आ गया? डिवाइड में आ गया। और फ्रेंड्स इसको हम कैसे देखते हैं? अगर मैं लास्ट एग्जांपल को ही देखूं तो लास्ट एग्जांपल में मेरे को आर फाइंड आउट करना है। ओके, लास्ट एग्जांपल में एसआई कितना फाइंड आउट हुआ हमारा? 400 फाइंड आउट किया हमने, 100 था। पी कितना था? मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट था मेरा 4000। और टी टाइम कितना था फ्रेंड्स? मेरा 1 ईयर। तो मैंने कैसे किया? मुझे अगर रेट फाइंड आउट करनी तो मैं कैसे करूंगी? ऐसे ही कितना है 400 मल्टीप्लाई 100 जो फॉर्मूले में है अपॉन पी कितना था 4000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 ईयर। अगर मैं 2020 कट हो गए और 10 से 10 कट हो गया, 4 से 4 कट गया, तो फ्रेंड्स क्या बचा? 10। मीन्स रेट क्या होती है? हमेशा परसेंटेज में होती है, तो ये क्या गया 10%। और फ्रेंड्स अगर मुझे क्या याद करना हो, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे टाइम फाइंड आउट करना है, तो मैं टाइम कैसे करूंगी? तो फ्रेंड्स टाइम के लिए भी फॉर्मूला यही है क्या? एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई पी। ओके, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्या था मुझे फाइंड आउट क्या करना था? रेट, तो रेट इधर आ गई, और इधर क्या था? टाइम आ गया था, और टाइम मल्टीप्लाई करना रेट इधर आ गया, टाइम इधर आ गया। अगर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना, तो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कैसे करूंगी फ्रेंड्स? में एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर इंटू टी। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम प्रिंसिपल अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने सिंपल इंटरेस्ट मीन्स सरल ब्याज, हिंदी में सरल ब्याज कहते हैं इसको फ्रेंड्स, हम सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो एक ईयर यानी एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड में जो इंटरेस्ट लगता है फ्रेंड्स वो किस पे लगता है? प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। वो किस पे लगता है? हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसी क्वालिटी के कारण इसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को उस एग्जांपल से देखा जिसमें हमने रेट फाइंड आउट करना, टाइम फाइंड आउट करना, और हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना सीखा। फ्रेंड्स अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।